मेरे प्यारे बच्चों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सब पूरा काल है बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5.3 का समांतर श्रेणी पार्ट है, उस पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। मैंने 5.1, 5.2 का जो वीडियो है पीछे करवा दिया हूँ, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पहले तो वो देख लीजिए। एंड वो जो टर्म था वो एनवा पद निकालने के लिए था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक सभी पदों का, अभी तक हम निकाल रहे थे पांचवा पद, आठवा पद, बारहवा पद, सोलहवा पद, ऐसा हम निकाल रहे थे। लेकिन अब निकालना क्या है, वही पदों का हमको योगफल निकालना है। योगफल मतलब जोड़। जैसे मैं आप कहते हैं ना कि जनरली एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, चार जोड़, पाँच जोड़, छः जोड़, सात जोड़, आठ जोड़, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हमारा योगफल आने वाला है, तो इन सभी का योगफल कितना होगा ये हमको ज्ञात करना होगा इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ थ्योरी है उसको, थ्योरी को देख लेते हैं हम। आ रही बात समझ? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है एपी में प्रथम एन पदों का योग। अभी तक हम एनवा पद ज्ञात कर रहे थे, जितने भी सूत्र हम पढ़ रहे थे उन सब में हम क्या ज्ञात कर रहे थे, एनवा पद ज्ञात कर रहे थे कि एनवा पद क्या होगा। दिया था 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, पीछे पढ़े थे ना आप, ऐसे लिखा था, 2 लिखा था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, डॉट डॉट ऐसा दिया गया था। इसका दसवां पद निकाल लिया, निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, दसवां पद, ऐसा निकाल, दसवां पद, बारहवां पद, पंद्रहवां पद, बीसवां पद, हम ऐसा निकाल रहे थे। अब वो नवां पद नहीं निकालेंगे, अब जितना पद दिया रहेगा उन सभी पदों का हम जोड़कर योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, योगफल निकालेंगे। बोले टर्म कौन कौन से आपको आएंगे उसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं हम। एपी में प्रथम इन पदों का योगफल निकालना हो तो समझिए ना, तो क्या होता है जी, मान लीजिए इस चैप्टर में ये पढ़ना है, उस पदों का योगफल ही हमको निकालना है। तो पहले अगर यदि आपको पद दिया गया तो ठीक है, कभी कभी आपको पद नहीं भी दिया रहेगा और बोलेगा तीन पदों का योगफल इतना है, ऐसा तीन पद बोलेगा तो हम क्या लेंगे, पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a, तीसरा पद a प्लस डी। आप ऐसा पढ़ रहे थे ना, एक था a था, फिर a प्लस डी था, a प्लस टू डी था, a प्लस थ्री डी था, है ना, डॉट डॉट डॉट, a प्लस फोर डी था, a प्लस फाइव डी था, इस तरह सभी के सभी टर्म आपको थे। अगर तीन पद रहेगा सवाल में, तीनों पद अज्ञात रहेगा, अज्ञात की बात कर रहा हूँ, दिया गया पद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर दिया नहीं रहेगा तो पहला पद को हम लेंगे a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा a प्लस डी। अगर चार पद अज्ञात रहेगा तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, और इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, टू डी होगा। इनके बीच का जो अंतर क्या होगा वो डी होगा, समान अंतर। अगर प्रथम पांच पद बोलेगा तो a माइनस टू डी लेंगे, a माइनस डी लेंगे, a लेंगे, a प्लस डी लेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद हुआ कि नहीं हुआ, और क्या लेंगे फिर हम, d लेंगे। आ रही बात समझ में? अगर तीन पद होगा तो a माइनस डी लेंगे, a लेंगे और a प्लस डी लेंगे, ये भी लेंगे तो चलेगा। आ रही बात समझ में? a, a प्लस डी, a प्लस डी, इससे सवाल जल्दी से सॉल्व होगा आपको, इससे थोड़ा लंबा थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। ऐसे पहला प्रथम पद तो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस टू डी होता है, फिर ए प्लस थ्री डी होता है, ये पद भी होता है। अरे बात समझ में? लेकिन इन पदों को लेंगे जब हम, तो हमें गुना भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और इस पदों को लेने से हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, सीधा सूत्र के फॉर्म में आ जाएगा तो हमें सॉल्व करने में सुविधा होगी। ऐसा नहीं कि सर उधर आपने ये बताया था इधर आप ये बता रहे हो, तो वैसे भी ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है जब एनवा पद ज्ञात करना होता है तो उसमें हम ए डी, ए टू डी, थ्री डी, फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सी डी तो ज्ञात हो जाता है, लेकिन जब योगफल की बात आती है तो वो भी लेके हम ज्ञात करेंगे, लेकिन उसमें गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम तीन पद रहेगा तो पहला पद ए माइनस डी लेंगे, ए प्लस डी लेंगे, ए माइनस ए प्लस डी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गुना करने की बात आएगी, तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा हो जाएगा, सूत्र के फॉर्म में हो जाएगा, और उधर गुना करने में बहुत तकलीफ पैदा होगा। अगर चार पद होगा तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस फोर डी और a प्लस थ्री डी होगा, और पांच पद होगा तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए और a प्लस डी, ए प्लस टू डी होगा। ठीक है, प्रथम n पदों का जो अब सूत्र देखते हैं, ये तो पद की संख्या थी, ये सब पद रहेगा तो हम इतना लेंगे। अगर n पदों का योगफल निकालना है तो सूत्र होता है Sn, इसको बोलते हैं Sn, n
उसे बोल रहे थे एन बोल रहे थे, यहाँ क्या बोलते हैं एस एन बोलते हैं। तो एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन बराबर सूत्र होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन। एस एन क्या होता है एन पदों का योगफल, पदों का योगफल जितना पद दिया रहेगा एन पदों का योगफल। अब एन क्या है पदों की संख्या है, ए प्रथम पद बोलते हैं डी समान अंतर बोलते हैं। अरे बात समझे ठीक है। एस एन बराबर ये भी होता है अगर उतना पद दिया गया तो ए प्लस एन, एन तो पीछे पड़े थे आप, एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पीछे पड़े थे आप प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े हो ना। चलिए यदि आप क्या बोल रहे हैं जी, यदि प्रथम पद एवं अंतिम पद ज्ञात करना हो, सॉरी यदि प्रथम पद दिया गया हो और अंतिम पद दिया गया हो, ऐसा इसमें अंतिम पद नहीं दिया इसे ज्ञात करने बोले हैं कि इनवा दसवां पद, दस पदों का योगफल ज्ञात करें, बारह पदों का योगफल ज्ञात करें, चौदह पदों का योगफल ज्ञात करें, इसमें ये बोलेगा। और इसमें क्या होगा जब सवाल के अंदर प्रथम पद दिया रहे और अंतिमा पद दिया रहे इसके लिए ये सूत्र आएंगे। इस सूत्र से भी ज्ञात होगा ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इससे सरलता से ज्ञात होगा, इसलिए नया सूत्र यहाँ पर दिया गया है। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब प्रयोग संख्या और एल क्या हो जाएगा यहाँ पर अंतिम पद। अब कैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर देखते हैं भाई, समांतर श्रेणी में यदि एनवा पद दिया गया हो और एन पदों का योगफल दिया गया हो तो एन बराबर क्या होता है एस एन इंटू एस एन एन माइनस वन। एक एक पद पहले एस एन एन माइनस वन मतलब क्या हुआ एन माइनस वन पदों का योगफल है, एस एन पदों का, ये एन पदों का योगफल है, ये एन माइनस वन पदों का योगफल है, और ये क्या हुआ इस एनवा पद ज्ञात करना हो तो यदि प्रथम धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना हो तो एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ज्ञात कर, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो एस एन बराबर क्या होगा एन स्क्वायर होता है, एन मतलब पदों की संख्या। यदि प्रथम एन सम संख्या का योगफल ज्ञात करना हो तो एसन बराबर एन स्क्वायर प्लस एन होता है। यदि एन सम संख्या हो जैसे में पांच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो ये छह सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो ये ए बी सी समांतर माध्य में होता है तो बी बराबर ए प्लस सी बटे टू होता है, और बी क्या है जी ए और सी का जो बी है वो ए और सी का क्या होता है समांतर माध्य कहलाता है। ये इस चैप्टर का मुख्य सूत्र है, अभी हम देखेंगे आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए इसको, इसके बाद हम इसको सवाल को देखेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके पूरा सूत्र को आप अच्छे से उतार लीजिए। अरे बात समझ, अब ये सभी सूत्रों से इस पार्ट को हम करना शुरू करेंगे। अगर जल्दी जल्दी हो आता है तो वीडियो को आप क्या कह दीजिए पॉज कर लीजिए। ओके, कोई डाउट तो, अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके चलिए अभी हम सवाल पे आते हैं थोड़ा सा। सवाल क्या बोल रहा, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा, देखिए सवाल दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, दो सात बारह दस पदों का योगफल। उसमें क्या था इससे पहले पहले पार्ट में था दसवां पद ज्ञात कीजिए, सौवां पद ज्ञात कीजिए, बारहवां पद ज्ञात कीजिए, ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है इन समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना, यानी दो सात बारह डॉट 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 दस पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रश्न कहने का मतलब ये हुआ फिर माइनस सैंतीस माइनस तैंतीस माइनस उनतीस डॉट 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 बारह पदों का योगफल ज्ञात करना है, 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 सौ पदों का योगफल ज्ञात करना है, 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 ग्यारह पदों का योगफल ज्ञात करना है। इतने पदों का यहाँ पर हमको योगफल ज्ञात करना है, ऐसे पहला टाइप ये है दूसरा टाइप ये है ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले 5.3 का क्वेश्चन नंबर एक देखने का प्रयास करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आरी बात समझ में ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले हम, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले हम 5.3 चैप्टर ये ना, दो सात बारह दस पदों का क्या करना है आपको योगफल ज्ञात करना है, क्या करना है आपको योगफल ज्ञात करना है ठीक है। चलिए सबसे पहली बात ये होता है यहाँ पर दिया गया है दो है सात है बारह है डॉट 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 दस पदों का योगफल ज्ञात करना है
ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर हमारा सूत्र स्कूल सूत्र लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन। अभी सूत्र हमने पढ़ाया है आपको कि एस एन बराबर एन बाई टू, ये क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर बोल रहा है प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, क्या करना है, सड़वाड़ो मतलब क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। चलिए एन तो योगफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम योगफल का सूत्र लगाएंगे, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अरे बात समझ में, समांतर श्रेणी अब चलिए दिया गया है, सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे, अब एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये सबको हम ज्ञात करना पड़ेगा। एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, क्या होता है, एन मतलब पदों की संख्या। तो कितने पद हैं, 10 पद हैं, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर है क्या है, ए, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद 2 है, तो प्रथम पद कितना हो गया, 2 हो गया। फिर क्या होता है, डी, डी मतलब क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर, क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है, 7 में से 2 गया 5, 12 में 7 गया 5, है ना। तो देखिए 7 में से 2 गया 5 निकल गया, अरे पदों निकल गया। अब ऐसे में बराबर सूत्र लगा दीजिए, अब ए पता हो गया, डी पता हो गया, एन पता हो गया, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब 2, डी मतलब दो पदों के बीच का अंतर, मतलब 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, इनके जो पद होगा उनके पदों के बीच का हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। और एन कितने पद है, तो 10 पद है, तो एन निकल गया। मान दे दीजिए एन बटे 2, एन का मान 10 बटे 2, 2 ए, ए का मान कितना है, 2, तो 2 दे दिया। फिर एन माइनस 1, एन का मान कितना है, 10, 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, 5, तो 5 दे दिया, ठीक है। 10 बटे 2, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गुने 5 हो गया, 2 दूनी के 4, और 10 में से 1 गया 9, और गुने 5, 9 बचे 45, और 4 45 सर कितना हो गया, 49, 49 गुने 5 करेंगे कितना आएगा, 245, गुना करने आता है ना, गुना कर लीजिए, यानी क्या जी, प्रथम 10 पदों का योगफल कितना हो गया, 245, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आ रही बात समझ में। चलिए -37 -33 -29, प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है जी आपको, 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर, सूत्र लिखेंगे हम एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, कितना पद निकालना है, 12 पद निकालना है, तो एन बराबर कितना हो गया आपको, 12 हो गया। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया, -37 हो गया, -37 हो गया, ठीक है, इन तो पता ही हो गया। डी, डी मतलब के दो पदों के बीच का अंतर, तो घटाएंगे -33, दूसरा पद घटाओ पहला पद, पहला पद घटा दूसरा पद नहीं होता है, क्या होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ऐसा सूत्र होता है, पढ़े थे ना, याद होगा, इसके 5.1 में पढ़े होंगे, 5.2 में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद ये हो गया घटाओ, बीच में घटाओ हो गया, घटाओ पहला पद, पहला पद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। अब 37 में से ये माइनस है और ये प्लस है, तो घटेगा ना, हम बताया थे अगर चिन्हांश दोनों के बीच समान हो तो जोड़ दो, और चिन्ह अलग अलग हो तो क्या कर दो, घटा दो, तो चिन्ह अलग अलग घटाएंगे, 37 में से 3 के कितना हो गया आपको, 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं, चलिए अब एस एन का मान क्या है, एन बाई टू, 12 पद, तो 12 हो गया आपको जनरली, ठीक है। फिर बोल रहा है 2, ए का मान 2, ए, ए का मान कितना है, प्रथम पद -37 प्लस 12 माइनस 1 एन माइनस 1, एन 12 पद है -1, डी का मान कितना है, 4 है, तो क्या कर दीजिए, -37 दूनी -74 और एक 12 में से 1 गया 11 गुने 4, 11 गुने 4 कितना हो गया, 44, -74 है +44 है, फिर मैंने देखिए आ गया, चिन्ह अलग अलग होते क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह एक समान होते क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, आरी बात समझ में, तो घटाएंगे कितना आएगा, -30 आएगा, तो कितना हो जाएगा, -180, अभी 30 में से 30 छः कर देंगे कितना आपको आएगा, 30 छः 180 होता है, पता है ना, 18 180, यानी 12 पदों का योगफल कितना हो गया, -180। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फिर है 0.6 है, 1.7 है, 2.1 है, .. 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको, 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब
सूत्र होता है एस एन बराबर, सूत्र पर लिखेंगे हम अपने कॉपी पे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, क्यों? क्योंकि यहाँ योगफल निकालने बोल रहा है, इसलिए एनवा पद निकालने नहीं बोल रहा है। अगर बोलता इसी में बोल, इसी टर्म में बोल देता एनवा पद निकालने, हम एनवा पद निकालते, लेकिन यहाँ एनवा पद नहीं बोल रहा है, योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मतलब पदों की संख्या, तो सौवा पद हो गया। ठीक है, ए ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें कितना हो गया, 0.6 हो गया। ये बोलता है डी 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 मतलब दो पदों का, यानी पदों का अंतर, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, घटाएंगे सबको सेम ही आएगा, इसलिए एक ही पद यहाँ पर घटाएगा, दोनों पद नहीं घटाया है, क्योंकि ये घटा होगा ये तो भी वही आएगा, ये घटा ये तो भी वही आएगा, तो पांच बार घटाने से क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला घटाओ ये वाला घटाओ ये वाला, कितना हो गया 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, चलिए मान को वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या था, एक एन का मान 100, सोमा पद तो 100/2, तो ए का मान कितना 0.6 प्लस 100 माइनस 1, और डी का मान कितना 1.1, तो कितना होगा 6 × 12 1.2 प्लस 100 में से किया 99 × 1.1। अब इतना गुण इतना करेंगे 108.9, अब दोनों को जोड़ देंगे 110.1, कितना आएगा 5550। ठीक है, अब जोड़ना है आपको, जोड़ने नहीं आता, क्या करेंगे 108.9 1.2, अब घटाएंगे 9 × 1 = 9, 2 = 11, 1 + 8 = 9, 1 = 10, बकिया 1 + 1 = 1, कितना 101.1 आ गया आपको यहाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या बोल रहा है, जनरली हमको 4 में कह रहा है कि 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, ये चारों चार टाइप का सवाल था, इसलिए मैं आपको सब बता दिया। 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, ... 11वां पद का योगफल ज्ञात, प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है, कि प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ए बराबर 1/15, ठीक, चलिए ठीक। अब सूत्र होता है एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिए ए का मान कितना हो गया, 1/15 हो गया, अभी क्या हो गया, डी का मान कितना हो गया, दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद घटा पहला पद, इसको देख लेते, देखिए 12 और 15 का लसा कितना हो जाएगा 60 होगा ना, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, शॉर्टकट दिया तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया 60, 12 × 5 = 60, तो 5 से गुना करें, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, अब कितना 12 × 5 = 60, तो 5 × 12 = 15 × 6 = 60, तो -4 हो गया, 5 − 4 = 60 हो गया, तो कितना आ गया 5 − 4 गया 1/60, और एन का मान कितना है 11 आपको दिया, मान दीजिए एन बटे 2 11/2 हो गया, कुल कितने 11/2 हो गया 2, अब ए का मान कितना है 1/15, 1/15 हो गया, प्लस एन माइनस 1 तो 11 − 1 गुने डी 1/60। ठीक है, 11/2 हो गया आपको 2, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 15 हो गया, 11 − 1 = 10 गुने 1/60 हो गया, काट दिया, सुना से सुना कट गया आपको, यहाँ पर बचा कितना 1/6। अब 1, 15 और 6 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 15 × 2 = 30, तो 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 30, तो 5 × 5 = 5, तो 15 और 2 का लसा कितना होता है 30, निकालने तो आता है लसा आपको, तो 15 और 6 का लसा 30, अब 15 का पढ़ा कितना पढ़ा है 30 आएगा, 2 बार में 15 × 2 = 30, तो 2 आया, तो उसको 2 से गुना करेंगे, 2 × 2 = 4, फिर 6 कितना पढ़ा है 30 आएगा, तो 6 × 5 = 30, तो 5 बार में आया, उसको 5 से गुना करो, 5 से 5 = 5, कितना हो गया 9/30 कर दो, 11 − 99 तुम्हें 60 काट देंगे, 20 × 60 33 × 99 कितना आएगा 33/20। आ रही बात समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू।